الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تؤسر وتمن بالخير آج ہم کوشن نمبر اللہ کر رہے ہیں فإذا هو قريب فإذا هو قريب قريب یہ एक आपने हिवार के दौरान आपने इसको पढ़ा, इसका मतलब है लो जी बस वो तो करीब है, वो तो करीब, ये तो आयत का एक टुकड़ा है, यानी फाइजा जो है पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर मैं आपको इसके माने वगैरह बता दूंगा। हाजी ही इजा अल फुजाइया, ये तो इजा अल फुजाइया है, या आप इंग्लिश में कहेंगे इजा ऑफ सरप्राइज, इजा ऑफ सरप्राइज, जब आपको सरप्राइज होता है, आप बाहर निकलते हैं, आप एक मतलब अपने गेट पे आप ऐसे मेहमान को देखते हैं जिसकी आप तवक्को नहीं करते थे, तो आप कहते हैं बस मतलब ये आप कहते हैं अरे आप हैं, हाँ, या आप किसी को फोन करके कहते हैं कि भाई आप आ जाएं मैं वेट करूंगा, आप बाहर निकलते हैं तो आपके सामने आप कहते हैं अरे इतनी जल्दी आप आ गए, अनएक्सपेक्टेड। ओके, वो तो फिर दो और फायदा क्या देता है, वुकूअ अम्रिन, किसी मामले का वाकया पजीर हो जाना, गैर मुतवक्किन, जो अनएक्सपेक्टेड हो, कोई ऐसा वाकया जो अनएक्सपेक्टेड हो, वो वाकया मतलब वो जब होता है तो आप उसको इजा इस्तेमाल करते हैं। तदखुलु अलल जुमलति अल इस्मिया, ये जुमला इस्मिया पर दाखिल होता है, वयजूज अल इब्तिदाउ बिन नकरति बादहा, और इसके बाद हम इसमें नकरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इजा के बाद इस्तेमाल जो है इसमें नकरा, ये इसमें नकरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ला ताती इजा अल फुजाइया तो फी अवल कलाम, लेकिन ये अवल कलाम में नहीं आता है, यानी आप ये नहीं कहेंगे, मिसाल के तौर आप ये कहेंगे मिसाल के तौर इजा फतहतु अल बाब, या आप कहेंगे फैजा हुआ करीब, इतना ही कहेंगे, नहीं, आपको इससे पहले तो कुछ बोलना है ना, जैसे आप अभी मिसालों से आप अभी आपको वाजह हो जाएगी ये बात, लेकिन इजा अल फुजाइया जो है फी सदर अल कलाम, फी अव्वल अल कलाम नहीं आता है। हां, अमसलतन ले इजा अल फुजाइया, अब इजा अल फुजाइया के लिए कुछ मिसालें हैं, जरा इनको देखें। एक मिसाल, दखल तो अल फसल, मैं क्लासरूम में दाखिल हो गया, दखल तो अल फसल, मैं क्लास फी के बगैर मैं क्लासरूम में दाखिल हो गया। फैजा मुदीरुल जामिया जालिसन, तो क्या देख रहा हूं कि मैं मुदीरुल जामिया, यूनिवर्सिटी के जो है जो डायरेक्टर हैं, मैं उसको बैठा हुआ देख रहा हूं, या हूं, हां मैं उसको बैठा हुआ, यानी वो बैठे हुए थे, वो तशरीफ रखे हुए थे, फैजा हुआ, तो फैजा को तब मुफसरीन वगैरह जो है ट्रांसलेट करते हैं लो, एल ओ लो, Lo and behold, B-E-H-O-L-D, behold. Lo and behold. 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 فَإِذَا مُدِيرُ الْجَامِعَةِ جَالِسٌ. فَإِذَا مُدِيرُ الْجَامِعَةِ جَالِسٌ. جَالِسٌ. تو इसको आप इस तरह भी कहेंगे I entered the room. And to my surprise, Faiza, to my surprise, English में हम ये भी कहते हैं. And to my surprise, Mudirul Jamiat Jalisun, the director of the university was sitting. जी सर. तो the director of the university. And to my surprise, to my shock, इस तरह भी कह सकते हैं. To my shock, ये shock लगा मुझे कि मैं देख रहा था कि यार वहाँ पे बैठे हुए थे वो. ठीक है, शाबाश। दूसरी मिसाल देखिए, दखल तो अल गुरफा, मैं कमरे में दाखिल हो गया, फैजा हाँ तो क्या, टू माय सरप्राइज, टू माय शॉक, तो अचानक क्या देख रहा हूँ, हय्यतुन, एक सांप, अल सरीर, किस पर, बेड पर मैं देख रहा हूँ एक सांप है, हाँ बेड पर मैं देख रहा हूँ एक सांप है, एक सांप है, अल सरीर, ठीक है। खरजतु मिनल बैत, मैं घर से निकला,
निकला निकला फैजा सदीकुन बिलबाब, तो क्या देख रहा हूँ कि भाई कश्मीरी में भी इस सेंटेंस को कहते हैं, अरे बुधराय घर अत वो बस क्या पत क्या करा पत फिर वापसी। फैजा सदीकुन बिलबाब, एक दोस्त था दरवाजे पर, तुम्हें सरप्राइज यानी unexpected to my surprise there was a friend of mine was there at the door. ab samajh gaya na, to chauthi misal dekhi, zanan tuka mudarrisan, maine aapko teacher samjha, maine aapko kya samjha, teacher samjha. fa idha anta talibun, ha to dekhiye ab to student hai, ke bhai mujhe to laga tha aap kya hai, aap teacher hai, लेकिन अब देखो क्या है आप स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट है। अब इन सारी मिसालों में आप देखिए कि इजा फाइजा जब आपने इस्तेमाल किया तो इससे पहले आप पूरा एक जुमला बता चुके हैं, दखलतुल फसला, दखलतुल गुरफता, खरजतु मिनल बैत, ज़ननतु का मुदर्रिसन, एक पूरा जुमला आप बोल चुके हैं। यही ये बात है, ला ताती इजाल फुजाए फी अवल कलाम, इसको आप पहले नहीं लाएंगे, अवल कलाम में इस्तेमाल नहीं होता है, अवल कलाम में इस्तेमाल नहीं होता है। आप समझ रहे हैं ना? जी। चलिए इसी तरह आप देखिए, अब एक सूरतुल आराफ में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया है, फिर तभी कसरत मूसा अलैहिस्सलाम, फल का आसा हो, तो हजरत मूसा ने अपना आसा डाला, फैजा ही सो बानो मुबी, तो क्या देख रहा है यार भाई, ये तो एक सुबान मीनस असदहा या बड़ा सांप, मुबीन एक मतलब एक वाजह जो नजर आ रहा था, एक बड़ा सा सांप नजर आ रहा है। वना जा आया दू, और उसने अपना हाथ निकाला, अपना हाथ निकाला, यानी एक और जगह आया है कि उसने अपना हाथ अपने जेब से निकाला, हमने अपने बगल में डाल दिया और बगल से निकाला, फैजा ही फैजो, ओ अचानक देख रहे, अचानक ये क्या है, ये चमक रहा था, लिन नाजरीन, देखने वालों के लिए चमक रहा था, ये समझ रहे ना? तो इजा से पहले एक एक्शन हो चुकी है जिसका जिसके बाद ये मामला हमारे सामने आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अब यही इजा जो इजा ये सॉरी अब अजुन्नु है, जन्ना यजुन्नु, जैसे आप इन्ना वाकवातुहा पढ़ते हैं, काना वाकवातुहा पढ़ते हैं, इसी तरह आप इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे जन्ना वाकवातु, ठीक है ना, जन्ना वाक, फिलहाल हम यहाँ जन्ना पढ़ेंगे, क्योंकि इस किताब का यही शेवा है कि आपको एक ही बार सारा जो है ग्रामर का पॉइंट नहीं पढ़ाते, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जन्ना है, इन्ना वाकवातुहा का सिस्टम तो इसने कम्प्लीट कर दिया पिछली बार, वो तो उसने कम्प्लीट कर दिया, अब आहिस्ता आहिस्ता जो है जन्ना वाकवातुहा भी आ जाएंगे इनशाला। अजुन्नुहा तंतही है, मैं इसको क्या अजुन्नुहा तंतही, यानी आई थिंक के ये कंप्लीट हो जाएगा, तंतही सॉरी ये तो एंड हो जाएगा, तंसिबु जन्ना, जन्ना जो है ये नसब देता है मफ़ऊलैन, दो मफ़ऊलों को, असलुहुमा, मगर उनकी असल क्या होती है उन मफूल, दो मफूलों की, मुब्तदा उन व खबर, यानी वो असल में मुब्तदा और खबर वाला सेंटेंस होता है, तो उन्हीं उसी मुब्तदा और खबर को जन्ना जो है अपने अपने मफूल अव्वल और मफूल सानी बनाता है। नाउ जैसे अल इम्तिहानो करीबुन, अल इम्तिहानो करीबुन, इम्तिहान नजदीक है, इम्तिहान नजदीक नजदीक, ये तो देखिए मुब्तदा और खबर वाला सेंटेंस है ना जी सर, जुमला इस्मिया, सिंपल जुमला इस्मिया, मुब्तदा भी है खबर भी है। आप देखो यहाँ क्या कहेगा, अजुन्नो मुझे लगता है, अल इम्तिहान करीबन, मुब्तदा और खबर दोनों को इसने क्या अपना मफूल, दो मफूल बना दिया और उसको मनसूब बना दिया, दोनों को इसने मनसूब बना दिया, अल इम्तिहानो बन गया अल इम्तिहान करीबन, बन गया करीबन, ठीक है सर। इसी तरह आगे देखिए, अल मुदीरो याती गदन, मुदीर कल आएगा, यहाँ मुब्तदा है अल मुदीर और खबर है इसकी याती, ठीक है, यानी जुमले फैलिया। अजुन्नो अल मुदीरा, अल मुदीरो बन गया अल मुदीरा,
याति गदन तो ये तो याति चूंकि फैले जुमले फैलिया है इसके ऊपर जबर जाहे नहीं होगी लेकिन हम कहेंगे ये फी महल नसब है फी महल नसब लिअन्नहु मफ़ऊल सानन लिअज़ुन क्योंकि अज़ुन का दूसरा मफ़ऊल भी ही है समझ रहे आप तो अज़ुन जो है ये दो मफ़ऊलों को क्या देता है जबर देता है वो फी तंज़ीद कुरान पाक में आया है वमा अज़ुन्नु अस्साअत क़ाइमतन सन्ना के बाद साअत एक मफ़ऊल और क़ाइमतन दूसरा मफ़ऊल और मुझे नहीं लगता है कि कयामत आने वाली है कयामत खड़ी हो जाएगी कयामत बरपा हो जाएगी वमा अज़ुन्नु ये तो मतलब कुछ काफिरों का ये है वमा अज़ुन्नु साअत क़ाइमतन मुझे नहीं लग रहा है यानी कुछ लोग ये तसव्वुर लिए बैठे हैं अरे यार मर गया इंसान तो खत्म हो गया बस इतना ही ये दास्तान इतनी ही है ठीक है तो यहाँ भी देखिए अदुन्नु के बाद एक मफूल अस्सा आता है कायमतन दूसरा अगर हम इसको अज़ुन्नु हटा देंगे तो ये रहेगा अस्सा तो कायमतन कयामत बरपा हो जाएगी ठीक है ना जी सर जी सर चलिए अब है अदखिल जन्ना अलल जुमल अल आतियती अब इन जुमलों पर जो है जन्ना को दाखिल कीजिए पहला सेंटेंस है हामिदुन मरीजुन हामिद बीमार है यहाँ पर इसने लिखा है जनन तो हामिदन मरीजन मरीजन यानी आई गेस दैट आई थिंक दैट हामिद इज नॉट वेल नंबर टू अल इख्तिबारो सहलुन एग्जाम सहल है अतजुन्नो क्या आपको लगता है क्या आपको लग रहा है कि एग्जाम सहल है शाबाश अब एक एक करके आप इसको पढ़िए الطائره متاخره اظن الطائره متاخره بہت اچھا وہ کیا معنی کیا ہے طائرہ کس کو کہتے ہیں پلان یعنی فلائٹ 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 از دے فلائٹ دیر سے ہوگی ہاں ڈیلیڈ ہاں بالکل چلیے نمبر 4 انت مريض اظن انت مريضا اظنك مريضا اظنك مريضا اظنك مريضا اظنك क्योंकि انت جو ہے یہ ضمیر مرفوع ہے یہ ضمیر مرفوع ہے تو ہمیں ضمیر منصوب استعمال کرنے ہیں اظنك مريضا जैसे हम इन्ना का ला अल्ला का ला वगैरह इस्तेमाल करते हैं अज़ुन्न का मरीज़न अच्छा नंबर 5 अल मुदर्रिस यताखर अल यौम शाबाश ज़ननतु अल मुदर्रिस यताखर अल यौम यताखरा नहीं यताखरो क्योंकि फेल मुदर पे ये असर नहीं करेगा फेल मुदर हां यताखरो जब फेल आएगा ना तो हम कहेंगे ये मफूल की जगह है फी महल नसब मगर इसमें नसब जाहिर नहीं होगी क्योंकि जब आपने पढ़ा है फेल मुदारे को नसब देने वाले कौन कौन से अदात हैं शाबाश फेल मुदारे को नसब देने वाले अनलन इजन काई अनलन काई इजन अनलन काई इजन ठीक है और क्या देता है बस यही है ना ये चार तो उसमें जन्ना आपने नहीं पढ़ा है तो जन्ना नहीं देगा जन्ना चूंकि मुब्तदा और खबर को लेकिन खबर अगर फेल हो या जुमले फेलिया हो तो ये उसको कुछ नहीं कर सकता है चलिए आगे बढ़िए वो मुस्लिम अतजुनीनहु मुस्लिमन अतजुनीनहु यहाँ ये जो तजदीद है ना ये या के ऊपर है ना यस सर शाबाश मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं होनी चाहिए तजुन्नो ये तो नून पर होनी चाहिए ना अतजुन्नीना ये तो नून पर तजदीद है इसको यहाँ पर डाली है अतजुन्नीना अतजुन्नीनहु अतजुन्नीनहु मुस्लिमान बहुत अच्छा चलिए आगे बढ़िए हुम रासिबून
نظنهم راسبون راسبون راسبين راسبين بہت اچھا یہ تو بھائی وہ ہے کیا ہے جمع مذکر سالم ہے نا سالم چلو چلو ٹھیک ہے نمبر 8 زمیلاک ناجحان پھنس گئے پھر سے ازنن اظنک شباش شباش کیسے چینج ہو جائے گا اظنک کیوں کا کیوں زمیلاک ناجحان تو زمیلاک جو ہے ناجحان یہ کون سا سینٹینس ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ جملہ اس میں ہے نا جی سر مبتدا اور خبر مبتدا کہاں ہے اس میں مبتدا زمیلا وہو مضاف کا مضاف الیہ ہم سمپل میں کہیں گے زمیلا کا مبتدا ہے نا جانی خبر ہے خبر ہاں تو دونوں کو یہ کیا بنائے گا منصوب بنائے گا منصوب یس سر تو زمیلا کا جب اس کو منصوب بنانا ہے تو کیا کہے گا اظن زمیلیک ناجحین ناجحین یہ تو تسمیہ ہے نا جی سر ہاں سبقک الیوم وسیم زمیلیک اظن زمیلیک ناجحین جیسے اگر ان اسے پہلے لگا دیتے ہم کہتے ان زمیلیک ناجحان کیونکہ انہ صرف اپنے اسم کو زبر دے گا اگر کانا اسے پہلے لگائیں گے تو ہم کہیں گے کانا زمیلا کا ناجحین کانا اپنے خبر کو زبر دے گا لیکن زنہ جو ہے دونوں کو زبر دے گا نصب دے گا ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے اظن زمیلیک یعنی زمیلا جو ہے یہاں اس کا الف جو ہے یہ تو رفی حالت میں ہوگا ہم تثنیہ کو رفع دیتے ہیں بزر الف اور نصب اور جر دیتے ہیں بزر تو یہاں آپ کو کنفیوژن کیوں ہو گیا اصل میں یہاں تثنیہ کے ساتھ دو معاملے ہو گئے ایک تو اس کو اعراب بھی چینج کرنا ہے یعنی زمیلا نہیں بنتا زمیلا ہی نہیں لیکن دوسرا چونکہ یہ مضاف بھی ہے اب نون اس میں نہیں ہے تو کنفیوژن ہو گیا زمیلا کا یہ بن گیا زمیلا کا ٹھیک ہے تو یاد رکھیے اس کو زمیلا کا اظن زمیلا کا ناجحین میں تمہارے دو کلیگز کو سمجھتا ہوں آئی تھنک دیٹ کہ مجھے وہ لگتے ہیں کہ کیا کہوں گے ناجحین وہ کامیاب ہوں گے چلیے آگے بڑھیے الطالبات مجتہدات اظن الطالبات مجتہدات کیسے کیوں الطالبات جمع مونس سالم کو اس کو نصب کیسے دیتے ہیں بذریعہ جر بذریعہ کسرہ جر نہیں بذریعہ کسرہ الطالبات تو ہم کہیں گے اظن الطالبات مجتہدات شباش اب لاسٹ ہے انا ضعیف انا ضعیف کیسے کہیں گے ضعیف یہ تو بہت اچھا سینٹینس دھمکی دے سکتے ہیں کسی کو کیا آپ کو لگ رہا ہے میں کمزور ہوں اتظننی ضعیف ہاں اب لڑکی ہو تو کہے گی اتظننی ضعیف کیا آپ مجھے کمزور سمجھ رہے ہیں اس کو یاد رکھو اس سینٹینس کو باقی یاد رکھے نہ رکھے اس کو یاد رکھو تاکہ دھمکی دینے کا کام آ جائے اتظننی ضعیف وغیرہ وغیرہ چلیے لیکن اس زنہ کے ساتھ بھئی ایک اور مسئلہ ہے یجوز ان تدخل زنہ علی ان و ان المصدریتین یہ ان اور ان جو ہے یہ حرف مصدر بھی ہیں ان کے ساتھ بھی زنہ کبھی استعمال ہوتا ہے یعنی یہاں تو آپ نے استعمال کیا اتظننی ضعیف اظنو الطالبات مجتہد اظنو کے بعد آپ نے ڈائریکٹ اس کا پہلا مفعول پھر دوسرا مفعول لگا دیا لیکن یہاں کیا تھا کہ بھائی کبھی کبھی زنہ کے بعد ان یا ان یا ان بھی آتا ہے اور پھر آتا ہے کیا باقی چیزیں
तो यहाँ कहता है फयून सब अलमजदर अलमुअव्वल अलमफूलियती, क्योंकि जब अन आएगा और उसके बाद फेल मुदारा आएगा तो मजदरी मुअव्वल को क्या करेगा, ये उसको चूंकि ये मफूल ही मफूल होने की वजह से उसको क्या करेगा, मनसूख करेगा। जी सर। और वयसुद्दु मसद्दल मफूलाइन, तो उस वक्त वो मजदरी मुअव्वल जो है वो दो मफूलों की जगह लेगा, वहां वो दो मफूल नहीं ढूंढेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे नाउ अल इम्तिहानु सहलन, अल इम्तिहानु सहलन, अज़ुन्नु अज़ुन्नु अन्नल इम्तिहान सहलन, अन्नल जब अन्न आ गया तो इसने अज़ुन्नु का अज़ुन्नु ने जो काम करना था वो उसने जाहिरन नहीं किया। इतना समझिए आप, वो उसने क्या किया, वो उसने जाहिरन नहीं किया उसने नहीं किया ना, क्योंकि यहाँ इम्तिहान जो है ये इन्ना का इस्म है और सहलुन इसकी खबर है। इन्ना का इस्म मनसूब होता है तो यहाँ नसब है, और इन्ना की खबर मरफू होती है तो यहाँ रफा है। दूसरी मिसाल दीजिए, वहां आप ज्यादा इसको समझ सकते हैं। वफी तंजील, कुरान पाक में वलाकिन ज़नंतु, लेकिन तुमने सोचा, तुमने ये गुमान किया, अन्नल्लाह कि अल्लाह ताला, ला यालमु नहीं जानता है, कसीरम बहुत, मिम्मा तामलून उसमें से जो तुम करते हो। हाँ, यानी जो तुम करते हो, आप ये समझ रहे हो कि अल्लाह उसमें से बहुत चीजों से वाकिफ नहीं है। ज़नंतुम अन्ना, जब अन्ना आ गया तो देखिए अल्लाह हा अन्ना की वजह से इस पे ऊपर जबर आएगी तो हम पढ़ेंगे अन्नल्लाह, फिर आ गया ला यालमो, ये तो ला की वजह, यहाँ तो फेल मुदारा आ गया तो लाम पे या मीम के ऊपर पेश है, मसला खत्म हो गया। यहाँ हम कहेंगे ला यालमो जो है अन्ना की खबर है, और ये फी महल्ले रफ इन है, फी महल्ले रफ इन है, तो ये रफा की जगह है, मसला खत्म, जन्ना ने अपना काम नहीं किया। इसी तरह देखिए मा जनंतु अन यार सुबह अहमद, आई डिडंट थिंक दैट कि अहमद वुड फेल, हाँ मुझे तो नहीं लगा था भाई, कभी मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि अहमद फेल हो जाएगा। मा जनंतु अन यार सुबह अहमद कि अहमद फेल हो जाएगा, आई मा जनंतु अहमद यार सुबह, मैंने ये गुमान भी नहीं था किया था कि अहमद जो है वो फेल हो जाए। वमिनहु कौलुहु ताला, और अल्लाह के यानी कुरान पाक में जो आए थे वो इसी तरह इसी से आए, तज़ुन्नु क्या तुम गुमान करते हो, अन युफ़अला कि उसके साथ किया जाएगा, बिहा इसके साथ क्या, अन तू अन युफ़अला बिहा फ़ाकिरा, क्या आपको लग रहा है कि इसके साथ जो है फ़ाकिरा के उर्दू माने क्या कहेंगे हम, फाकिरा मीनस फाकिरा तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फाकिरा, फकरा से क्या आएगा, एक मिनट में उर्दू माने में इसमें देख लेता हूँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हमारे पास सिर्फ 5-5.5 मिनट है। हाथी जमाल आसमा अल आतिया, इन आसमा की जमा बताइए क्या है, खलीलुन शबाश, खलीलुन सबीलुन सुबान, इन तीनों की जमा बताइए मुझे इसको आप, चूंकि मैं आज चाहता हूं कि हम आज इस लेसन को कंप्लीट करें, तो मेरे ख्याल से शायद हाँ होना चाहिए 2-4 मिनट में, लेकिन मैं ये छोड़ रहा हूँ कि जमा आप खुद लिख सकते हैं, और आपके पास जो है अगर नहीं आया तो मैं आपको बता दूंगा। नंबर 14 हाथी मुजार लफा लातिया, इनके मुजारा बताओ, अज्जा या उद्दू इजतना भाई इकताब यकताब। लेकिन क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट है, आया हिकुली अनाद खुला फिल्म, क्या मेरे लिए हक है कि मैं इम्तिहान में दाखिल हो जाए, नकुल दखल तो हूँ बिगई थी, यानी अगर आप किसी इजा खाना अलमदुल मकान, अगर मकान में दाखिल होना है तो फी नहीं लगाएंगे, दखल तो अलबैत में, घर में दाखिल, मस्जिद में दाखिल, सूखा बाजार में, यानी अगर जगह हो
वदखलतु वदखल जन्नतु और उसने दाखिल जन्नत में दाखिल हो गया वनकुल दखलतु फी इजा लम यकुन अल मदखुल मकानन अगर आपको उसमें दाखिल होना है जो जगह नहीं है तो आप फी इस्तेमाल करें जैसे आप कहते हैं दखलतु फिल इस्लाम में इस्लाम में दाखिल हो गया दखलतु फिल इम्तिहान में दाखिल हो गया इसी तरह कुरान में आया है वरायत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाह अफवाजा ये आपने पढ़ा ही है ऑलरेडी वकद इजतमा अल अमरान फी कौली तआला दोनों दखल जो है कुरान पाक की एक आयत में जमा हो गए दो आयतों में फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती जन्नत जगह है तो इसलिए फी के बगैर इबादी जगह नहीं है इसलिए यहाँ फी आ गया फदखुली तो दाखिल हो जाइए मेरे बंदू में हाँ वदखुली जन्नती और मेरे जन्नत में दाखिल माने तो ठीक है लेकिन याद रखना है कि फी आएगा अगर आप मकान नहीं मकान के बगैर किसी चीज के बारे में आप बता रहे का बात कर रहे हैं ठीक है ना कुरान में एक और जगह भी आया है उदखुलू फिसिल में काफा इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ उदखुलू फिसिल में काफा ये किताब वाला मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही साल भी बना है तो इसने वो आयत लिखी नहीं है नंबर 16 अत्तवाब नंबर 16 अत्तवाब हमारे पास चार मिनट है तीन साढ़े तीन मिनट है अत्तवाब तवाब मीन्स आई अल्लज़ी यतूबु अला इबादी कसीरन जो अपने बंदू पे बहुत मेहरबान होता है हुआ हुआ अला वज़्नि फ़ाल ये फ़ाल के वजन पर है वहुआ मिन सियागिन सियागी मुबालगति इस्मिल फ़ाइल ये इस्मिल फ़ाइल के मुबालगा सेगु में से एक सेगा है यानी फ़ाल तवाब मीन्स जो बार बार ये करे जो बहुत ही ऐसा करे बंदू पे मेहरबान हो जाए बंदू का तोबा कबूल करे वमिन सियागिया आयज़न इस्मिल फ़ाइल के बारे में याद रखे कि इस्मिल फ़ाइल एक सिंपल इस्मिल फ़ाइल हो सकती है जैसे हम कहेंगे मिसाल के तौर पर कातिलुन कत्ल करने वाला एक बार कत्ल किया तो वो भी कातिल हो गया लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल कत्ल युकत्ल तक्तील से हम इसमें फाइल बनाए तो मुकत्ल मीन्स जो बार बार का ये बहुत कत्ल करने वाला इसी तरह इसमें ये फाइल के मोबाइल का सेगे जो है और कुछ भी हैं जैसे फईलुन नाउ रहीमुन रहीमुन है ना बहुत रहम करने वाला बहुत रहम करने वाला फऊलुन जैसे गफूरुन बहुत मगफिरत करने वाला फ़ाइलुन जैसे हाजिरुन बहुत मुहतात मिफ़ालुन जैसे मिताउन बहुत देने वाला ये है मुबालगे के कुछ सेगे इसी तरह आप कह रहा है सुग सेगा तो फ़ाल मिन हाजिल अफ़ाल इन अफ़ाल से फ़ाल के वजन पर ये बनाओ ये मुबालगे के सेगे बनाओ जैसे रज़क से क्या बनेगा रज़ाक वहाबा से इसी तरह से आप बाकी बनाए सुग सेगा तो फईल मिन हाज़ल अफ़ाल अब इन अफ़ाल से जरा फईल के वजन पर बना दी समीअ से क्या बनेगा समीउन समीउन कदर से कदीरुन अलीम से अलीमुन आगे बसरा से बसीरुन इसी तरह सुग सेगा तो फऊल मिन हाज़ल अफ़ाल इन से बनाइए आप फऊल के वजन पर गफरा से गफूर शकरा से शकूर सबरा से सुबूर सुबूरुन अबासा से अबूसुन अकला से उकोलुन चलिए तो याद रखे हाँ तो याद रखे कि ये सेगे जो आप बनाते हैं इसमें मुबालगा का मतलब होता है यानी ये मामला जो है बहुत ये अगर आप किसको कहेंगे शुकूर तो मीन बहुत शुक्र करने वाला गफूर बहुत मगफिरत करने वाला समय बहुत सुनने वाला कदर ऐसे कदीर बहुत कुदरत रखने वाला तो ये इंशाल्लाह ताला हम इससे जो है सेगतुल मुबालगा जो इनको अलग से इंशाल्लाह कभी पढ़ेंगे लेकिन यहाँ आप सरफ में ये देख रहे हैं कि सरफ में इनको ये जो है इनकी इम्पोर्टेंस क्या है ठीक है तो यहाँ पे आपका लेसन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया तो इंशाल्लाह मुस्तान हम कल लेसन नंबर 24 शुरू करेंगे तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला 8:20 या 25 मिनट पे तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु वालेकुम सलाम